फरीदाबाद जनपद पंचायत सभागृह में शुक्रवार को जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का पदभार ग्रहण सम्मेलन में आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। प्रथम सम्मेलन में भाजपा कांग्रेस के नव निर्वाचित जनपद सदस्यों के बीच मंच को लेकर मनमुटाव भी नजर आया। एक और कांग्रेस समर्थक नव निर्वाचित जनपद सदस्यों को मंच पर नहीं बैठाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भेदभाव करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के मोहन मालवीय ने मंच से कहा कि आज भी गरीब लोग शासन की योजना से वंचित है, दलालों के काम जल्दी हो जाते हैं। मेरे स्वयं की पंचायत में 14,90,000 निकले हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। उन्होंने नव निर्वाचित जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष से गुहार लगाई कि प्रत्येक पंचायतों में भ्रमण करके सर्वे करें और गरीबों को उनकी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करें। इस दौरान 25 जनपद सदस्यों को जनपद CEO रोहित पचौरी ने अंकुर अभियान, वृक्षारोपण एवं तिरंगा अभियान की एक साथ शपथ दिलाई थी। इसके बाद सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस दौरान क्षेत्र क्रमांक 20 से जनपद सदस्य निर्वाचित जितेंद्र सोलंकी ने अपने कांग्रेस समर्थक जनपद सदस्यों के साथ कार्यक्रम स्थल कक्ष के बाहर बैठ गए। पूरा सम्मेलन शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ, लेकिन जैसे ही सम्मेलन समाप्त हुआ तो CEO को कक्ष के गेट पर रोककर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमें जनता ने चुनकर जनपद सदस्य निर्वाचित किया है, लेकिन आज यहाँ पर प्रथम सम्मेलन में हमारा अपमान किया गया। हम निर्वाचित जनपद सदस्य नीचे बैठे और बाहरी लोगों को मंच पर बैठाकर उसे भारतीय जनता पार्टी का मंच बना दिया। इस बारे में CEO रोहित पचौरी का कहना है कि सभी को आमंत्रित किया गया था, जिसे मंच पर आना था वह आ सकता था, वह स्वयं ही बाहर बैठ गए। इसके लिए किसी पर दोषारोपण करना गलत है। बड़वा से कपिल वर्मा की रिपोर्ट। आज शपथ ग्रहण समारोह कराया यहाँ पर, किस प्रकार रहा और किस प्रकार काम किया जाएगा? सब सफलतापूर्वक रहा है और बस विकास ही हमारा लक्ष्य है, और जनपद क्षेत्र की सभी पंचायतों एवं ग्रामीण ग्रामों का जो भी चौमुखी विकास और सर्वांगीण विकास हमारे द्वारा किया जाएगा। गांव-गांव जाकर उस जो भी योजना है उसको गांव-गांव तक भेजेंगे और जो भी योजना है उसको कराया जाए। आप अध्यक्ष हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे अपने मुख्यमंत्री शिवराज जी के, उनके जो भी दर्ज में काम हो पंचायत स्तर में हम करेंगे, और अभी जो भी हो सके जितना भी बिजली पानी रोड सड़क जहाँ तक भी होगा हम प्रयास करेंगे अच्छा करने का। अपने हमारे क्षेत्र, मेरी जो जनपद पंचायत जो 5 गांव है उसमें कुछ स्वच्छता अभियान भी है, उसके बाद में कुछ पहाड़ी इलाके में पानी भी नहीं है, उनकी पेयजल व्यवस्था करना पड़ेगा हमको। ये दोनों योजना बार हम कर देंगे सर, वो अभी तक नहीं आया की जाहिर की है। जो आज यहाँ वाक्य हुआ जनपद में, आप सभी ने देखा, हम लोग नवनिर्वाचित सदस्य हैं सभी के सब, और आखिरी पंक्ति का जो मतदाता है उसने हमको चुन करके यहाँ भेजा विकास के कार्य के लिए, बात करने के लिए, हमारी समस्या का समाधान करने के लिए। आज प्रथम सम्मेलन में क्या स्थिति थी आप खुद देख सकते हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं और बाहर के जितने भी लोग हैं वो मंच पे आकर के बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी को बना दिया। ये संस्था शासकीय, यहाँ जनता के काम होना चाहिए, उसके काम नहीं होते हुए यहाँ पे राजनीति शुरू हो गई लंबी लंबी। आप बोलते हो कि आखिरी पंक्ति तक विकास का काम होना चाहिए, जाना चाहिए, क्या जा रहा है ये दिख रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है सामने सबके? आपने इसके साथ आए थे आज, हमारे पूरे के पूरे 7 सदस्य थे हम लोग। आपने इसकी शिकायत CEO साहब से करी? जनता करी, पूरी CEO साहब से करी। CEO साहब सिर्फ सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। कितने बाहर बैठे थे? सभी बाहर बैठे थे। हरिवंश को ऊपर बिठाया उन्होंने, विधायक के प्रतिनिधि है वो बोलते है की हमारे गाँव में खरंजा डलानी, ये डलानी। अरे तो आप प्रतिनिधि थे, आपके गांव तो स्वर्ग होना चाहिए। 15 साल से आपकी सरकार चल रही थी, आपका घर तो स्वर्ग होना चाहिए, फिर आप क्यों हारे प्रतिनिधि हो? जनता के प्रतिनिधि आपने भी जनपद सदस्य का फॉर्म डाला था कि आप क्यों हारे उस जगह से? आप बोलते हैं हम काम करते हैं, बीजेपी काम करती है, फिर क्यों हारे आप वहाँ से? आप हमें ये बताइए, जनता ने तो कांग्रेस की सत्ता लाई थी पर इसमें दलाली बीच में हुई है। अब ये कौन दलाल है ये सब जनता देख चुकी है कि किसने दलाली करी है। जनता ने कांग्रेस की सत्ता आने के बावजूद भी बीजेपी का अध्यक्ष जीता है तो इसमें दलाली हुई है, ये सबको पता है। ये सदस्य ज्यादा से ज्यादा सदस्य कांग्रेस के हैं, क्या हुआ सभी को मालूम है, क्या है क्या नहीं सभी को मालूम है। नगर निगम में भी कांग्रेस के ही आए हैं, जिला में भी कांग्रेस के ही आए हैं, जनपद में भी कांग्रेस के आए हैं,
फिर ऐसा क्या हो गया है कि जब जनपद के अध्यक्ष जी बीजेपी का बन चुका है? अरे उसके बाद क्या कारण है, क्या कारण है कांग्रेस के जनपद सदस्य बिके? ये मैं नहीं बोल सकता, इसमें मैं कुछ नहीं बोल पाएंगे। जनता के साथ ईमानदारी का काम है, ये ईमानदारी का काम। हम हार के भी जीते हैं, हमने ईमानदारी बरती है, हम हार के भी जीते हैं। हम डले डगमगे नहीं, हमें भी बहुत ऑफर आ गए 15 लाख 20 लाख के, पर हमने कुछ नहीं लिया। बना रही है विचार अध्यक्ष उपाध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रक्रिया में आज जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों का आज शपथ और सम्मेलन था। इस संदर्भ में उनको अंकुर अभियान और वृक्षारोपण के संबंध में और तिरंगा अभियान के संबंध में भी शपथ दिलाई गई और सभी सदस्यों का सम्मान किया गया। सर कुछ जनपद सदस्यों ने मंच के लिए नाराजगी व्यक्त करी है, मंच के संबंध में हम एक सदस्य महोदय ने मुझसे जरूर शिकायत की थी कि हमको बुलाया नहीं गया, पर मैं ये कहना चाहूँगा इसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसको मंच पर आना था वो आ सकते थे, वो स्वयं ही बाहर बैठ गए। इसके लिए किसी तरह का किसी के ऊपर दोषारोपण करना बिल्कुल गलत है। सर उनका कहना था किसी विशेष पार्टी को लेकर कार्यक्रम हुआ है, वो सामने वाली पार्टी को बिल्कुल इग्नोर किया गया। सभी को उनके उनकी पार्टी के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था, उनकी पार्टी के सदस्य उसमें भाषण भी दिया उन्होंने, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। ये सम्मेलन है, इसमें सभी सदस्यों को स्वयं सहभागिता करनी पड़ती है, ना कि किसी को बुला बुला के बिठाना पड़ता है। आप स्वयं सहभागी बने, आप चुनाव जीत के आए हैं, तो इसके आरोप लगाने से क्या अर्थ होगा?